नहीं बोलू तमारो भाव कीधो तमारे लेवानो एक लाख नौ हजार रुपए में ठीक है। अरे वाह भाई वाह ठीक है। अच्छा और दूध का क्या गारंटी लेंगे आप? दूध का 25 लीटर। 25 लीटर पूरे दिन का। क्या मोल कर रहे हो बताओ? मोल तो घर की बात है, आप बोल दो कबूल। और क्या है ऐसा? ठीक है दिया एक बेस। बहुत बड़ी हाइट में टॉप क्वालिटी में कितने मोई संजय भैया? 63,000 रुपए में। रात को करीब 9:30 बज रहे हैं और ये अरविंद भैया ने खरीदी है। भैया देखे दोस्तों, वास्तव में इसे बोलते हैं कॉकरेज बैल, जो बैलगाड़ी पर सवार हैं भैया। और यहाँ गुजरात की एक बात यही फेमस है, कॉकरेज बैल, जो सींग देखे आप करीब दो दो तीन तीन फीट की हाइट के। और बीच में हम जा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ भी शूट की जाए। कौन सा जिला है ये? ये पोरबंदर जिला। पोरबंदर जिला, यहाँ की भैंस अच्छी होती है क्या? अच्छी है, एक नंबर। पोरबंदर के जंगल ने भैंस एक नंबर रहती है। खाने पीने में क्या खिलाते हैं आप? दिक्कत नहीं है, मांडवी का पाला, जुआर का बाटा। तो दोस्तों एक साथ 4 से 5 भैंस का सौदा करने जा रहे हैं, जो संजू भैया ने अभी डिस्कस किया है। अब कितने की? 80-80 की। 80-80 के भाव के सेठ नो आवे फिर क्या है? आप भी बताओ क्या तुम बोल दो, सही से चाय पानी पी के बोल दो। खुशी से ना? हाँ खुशी से ना। चलो चलो दोस्तों, 1,05,000 के भाव में 5 भैंस भैया से लिए। आपका नाम? मुकेश भाई। मुकेश भाई जो पोरबंदर गांव, जिला कौन सा है? जिला पोरबंदर होता है। आपका नाम? राणा कंडोड़ा। शानदार 16 भैंस की खरीदी के बाद रात को 11 बजे पहुंचे हम। और देखिए अब संजय भैया के फार्म पर रात का खाना हो रहा है 11 बजे। नहीं मेरे पास एक भिंडी है पहले दोस्तों हम करीब करीब जूनागढ़ से 80-90 किलोमीटर दूर पोरबंदर के जंगल में आ गए हैं, जहां इस शाम का समय हो चुका है, करीब 4 बज गए। सुबह 7 बजे से निकले थे हम। तो इस जंगल की भैंस बोला जाता है कि बहुत अच्छी होती है, जो बहुत लंबे टाइम तक दूध देती है। तो इस फार्म पर हम विजिट करने जा रहे हैं, यहाँ की भैंस देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए, आप अंदर जो भैंस की कीमत होती है, जो भैंस फाइनल होती है, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। फार्म पर 5 से 6 और एक उस साइड 7 भैंस बंधी हुई है, जो आप लोगों को अभी दिखाएंगे हम डिटेल के साथ। और दोस्तों देखिए आप, गुजरात में मूंगफली की खेती ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर मूंगफली इसी का भूसा खिलाते हैं। एक बहुत बड़ी भैंस देख रहे हैं आप, जो दिखने में बहुत बढ़िया है और हाइट फुल है। देखिए बहुत शानदार, मालिक बता रहे हैं कि 10 लीटर दूध देगी, लेकिन एक थन उसका शायद खराब है, 3 थन की गिनती में है ये भैंस। अभी 10 दिन की कच्ची बता रहे हैं भैया, और 10 दिन की कच्ची है ना, और दूध कितना दे देगी? एक टाइम का 9-10 लीटर। 9-10 लीटर
9-10 लीटर दूध बता रहे हैं। देखिए आप, अच्छी है भैंस, तीन थन। और कीमत क्या कर रहे हैं इसकी, अच्छी बताओ देने लेने वाली, कीमत क्या कर रहे हैं? कीमत 1,25,000। 1,25,000 जो मांग रखी है। और देखिए, इस दिन भर घूमने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब थक गए हैं, जो कि यहाँ शांति पूर्वक बैठे हुए हैं, नहीं तो भैंस के आगे पीछे दिखते अभी है ना। तो दोस्तों, पूरे दिन के घूमने के बाद करीब 4 बजने को है और सुबह से चले हम 7 बजे से, तो थोड़ी थकान भी है। भैया के यहाँ स्टॉप में चाय मिल रही है और नेक्स्ट भैंस कवर कर रहे हैं हम। ये भी अच्छी बड़ी हाइट में पोरबंदर जंगल की भैंस देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से। अगर पीछे से देखा जाए भैंस तो बहुत साफ सुथरी बड़ी हाइट में अच्छी है। कितना कच्ची है नरा? 5-7 दिन। 5-7 दिन की देर है भैंस में। और दूध कितना लगा देगी? 8 लीटर। 8 लीटर। इसका क्या मांग रहे हो? इसका 1,15। 1,15। 1,15 मांग है। अच्छी भैंस है ये भी। 3 ले लियो। एक और शानदार बड़ी भैंस जो दिखा रहे हैं, बढ़िया भैंस है। खाली वीडियो बनाओ। देखिए, बहुत अच्छी भैंस, नीचे से साफ सुथरी पूरी। और करीब 3rd लैक्टेशन, एक कान कटा हुआ इसका है ना, कान कटा हुआ है। अच्छी है भैंस, बढ़िया। कितना दूध लगाएगी भैया? एक टाइम का 8-9 लीटर। एक टाइम का 8-9 लीटर। और कितने कच्ची बता रहे हैं उसको? 10-15 दिन। और मांग इसकी? इसकी मांग 1,25,000। 1,25,000। आपका नाम? मुकेश भाई। मुकेश भाई, कौन सा जिला है ये? ये पोरबंदर जिला। पोरबंदर जिला। यहाँ की भैंस अच्छी होती है क्या? अच्छी, एक नंबर। पोरबंदर के जंगल में भैंस एक नंबर रहती है। खाने पीने में क्या खिलाते हैं आप? दिक्कत नहीं है, मांडवी का पाला, जुआर का बाटा खिलाते हैं। मांडवी का फॉल। कितने टाइम तक दूध देती है? क्यों लग जाएगा? इसलिए 9 महीना। 9 महीने? हाँ, 9-10 महीना, 15-20 दिन छोड़ भी पड़े। बाबू जी बता रहे हैं कि 80 के भाव में तीनों दे दीजिए आप। कितने की? 80-80 की। 80-80 के भाव के सेट नो आवे फिर क्या है? आप भी बताओ क्या तुम है? बोल दो सही से, चाय पानी पी के बोल दो। भैंसों में तुम ना चाय बने जब तक तो हम भैंस खरीद लेंगे। तुम बोल दो, बताओ, बोल दो, आप बोलो क्या लेने देने का उसका? लेने देने का तीन। हाँ, तीनों लेंगे। एक का भाव मोल मत करना। एक तीन तुम्हारे लेनी है तो 1,15 का भाव दे दो। लियो जाओ। 1,15 का तो गलत है, व्यवहारिक भाव बोलो। संजय तो हारी पर पैसा ही हारा है ना। उसमें भी 3 थन चल रहा है ना। तो 4 भैंस 80 के भाव की, ये तीन और भैया को बताई है हमने जो शिवनी गणेशगंज। 4 भैंस इनकी खड़ी हुई है, 1, 2, 3 और ये 4 है ना। ये चारों भैंस, ये वाली है। अच्छा, ये वाली भी तो बिक गई है। ये बिक नहीं की है, ये 4 एज। 1, 2, 3, 4 एज। अच्छा, ये 4 है। हाँ, ये 4 एज। आपने मेरा भाणेजा बहुत खाता है। चलो 80 के हिसाब से करवा। दो नोट संजू भाई को खुद थी दिए, मुझे तो सड़ाई में निकले नहीं। खड़ा होना पड़ेगा। ले संजू करे आगे बात करो। हां, फाइनल कर संजू भाई, बना हमारी हम चलो। ये पार्टी मेरी तीसरी है। कितना दे रहे इसमें? इसमें 10-12 दिन, 15 दिन के अंदर जम जाएगी। क्या मांगे इसकी? इसकी 1 ली लेनी है तो 1,25। और दूध? दूध 1 टाइम का 8 लीटर। आप बताइए ना, हग्गा से आप बताइए, उन बोलाई आप बताइए ना, मोहन छोकरा था। दूध 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 1 टाइम का 8-9 लीटर। 8-9 लीटर दे देगी? हाँ, दे देगी। 9 लीटर बड़ी भैंस, बड़ा मोटी मोटी है। दो पीछे चलना बिल्कुल। 52।
तो दोस्तों एक साथ चार से पांच भैंस का सौदा करने जा रहे हैं, जो संजू भैया ने अभी डिस्कस किया है। बोलो संजू भैया सभी भैंस का रेट। ये रहे, मैं हम तो क्या यार मालिक है, ये मेरे मामा लगते हैं, रिश्तेदारी में। ये मैं आता हूँ ना तो बापा बापी कीमत नहीं बोलते, लेने का रहता है उससे दो चार पाँच हजार दस हजार का डिफरेंस रख के बोल दे संजय इतना मेरे को लेना है, तो इसका 35-40 डेढ़ बोले तो बोला जा सकता है, फिर काटा जा सकता है। आप तो बोलो क्या है, मैं तो आपका फाइनल आंकड़ा कहाँ तक काम करे पे मारे कहे ना। हल्की नहीं, वो भैंस भी अच्छी है, वो खाली 10 दिन कच्ची है। हाँ बढ़ू से ना, खुशी से ना, हाँ खुशी से ना। चलो दोस्तों 1,05,000 के भाव में पांच भैंस भैया से लिए। आपका नाम? मुकेश भाई। मुकेश भाई जो पोरबंदर गांव, जिला कौन सा है? जिला पोरबंदर होता है। आपका गाँव? राणा कंडोड़ा। राणा कंडोड़ा गांव में भैंस, पांच भैंस एक साथ खरीदी है। अब पांचवी भैंस को चेक करते हैं और पांच भैंस किसने लिए वो भी हम आप लोगों को थोड़ा डिटेल बताएंगे। आप ही रख रहे हो पांचों? पांचों भैंस पंडित जी ने रखी है जो सिवनी से है, सिवनी गणेशगंज से। और देखिए इनकी पांचों भैंस अभी चेक होने जा रही है, चेक करो आप। ये तीन थान है इसमें और भैंस, हाँ तीनों चालू है, तीनों चालू है। वो चौथा चेक नहीं किया, कर दो, करो ना वो भी चेक करो। एक जो बंद है उसको भी चेक कर रहे हैं हम। बंद है। झूठ क्या बोलने। अगली भैंस देखिए आप, चेक हो रही है। ये तीसरी भैंस चेक हो रही है। ये चौथी भैंस चेक करने जा रहे हैं। सभी भैंस बड़ी बड़ी है जो 8 लीटर 9 लीटर टाइम का दूध देगी। ये एक और भैंस देखिए आप, जो ये भी हाइट में बड़ी है। सभी भैंस जो यहाँ से खरीदी 8-9 लीटर टाइम का दूध देने वाली है। और पंडित जी बयाना दे रहे हैं। पंडित जी कितना दे रहे हो बयाना? सभी का टोटल का 2,000। अभी दो दे रहे हैं। अरे 5,000 बयाना दे रहे हैं भैया को। ये भैया 2,000 रुपए की, ठीक है। 5,000 में 5,000 आपको 2,000 नहीं चलता है यार। बस आई जाए जवाबदारी मारी। संजू भैया की जवाबदारी। हाँ बराबर है। तो 5,25,25,000 हटो। ये भैंस के लिए स्टॉक देखे आप काई का है भैया। इस फार्म से किसान भाई के यहाँ से अब अगले गांव या अगले रूट पर चलते हैं। और करीब 3 भैंस और खरीदना है। और टोटल भैंस कितनी हो गई? अरे शैलेंद्र भैया आज टोटल भैंस कितनी हो गई? 12 खरीद ली। 13 खरीद ली। हाँ 13 हो गई। 13 भैंस हो गई। शाम का समय 5 बज रहे हैं और पहुंचेंगे अब अगले गांव में। पोरबंदर जिले में घूम रहे हैं गुजरात के। अगले फार्म पर विजिट कर रहे हैं। समय हो चुका है 6:30 बज रहे हैं रात की, सॉरी शाम की 6:30 बज रहे हैं। कच्ची भैंस से करीब 3rd-4th इलेक्ट्रिशियन में तीसरा है, तीसरे इलेक्ट्रिशियन में। और भैया कितने दिन की दे रहे हैं इसमें? 10 दिन की। 10 दिन की कच्ची है। भैया क्या कीमत है? एक चालीस। नहीं जमेगी क्योंकि महंगे भी है और भैंस सभी को कम जम रही है। चलो संजू भैया, इस फार्म पे एक ही भैंस थी जो हमें किसी को सूट नहीं हुई, जमी नहीं है, तो अगले किसान के घर चलते हैं। अपन नीचे आइए क्या? शाम हो चुकी है, एनर्जी सारी खत्म।
उस साइड देखिए संजय भाई एक शानदार भैंस दिखा रहे हैं जो हाइट में फुल और करीब करीब मान के चले कि संजय भैया कितना टाइम लगी है ब्याने में? 8 से 10 रोज। पहले बेट में 11 लीटर का रिकॉर्ड है। कहाँ है रिकॉर्ड? कहाँ है? पहला बेट में 11 लीटर निकाला है। अच्छा आपके यहाँ निकाला है? किसान की पर्ची भी है। अच्छा तो देखिए आप बहुत साफ सुथरी भैंस अगर हम नीचे से देखते हैं बहुत बढ़िया संजय भैया बता रहे हैं और भैंस देखते हैं तो करीब सेकेंड ब्यान में भैया यहाँ बीच में लाओ उसको भैया संजय भैया इस साइड लाओ एक बार और। तो संजय भैया क्या कितना टाइम पीरियड लेगी है? 10 रोज ले लेंगे। 10 रोज अभी और लेगी और मान के चले कि अच्छा और दूध का क्या गारंटी लेंगे आप? दूध का 25 लीटर। 25 लीटर क्या मोल कर रहे हो बताओ? मोल तो घर की बात है आप बोल दो वो कबूल और क्या है ऐसा। ठीक है दिया 120 ले जाओ। 120 की हो तो ईमानदारी से 120 दिया 120। आप बोल रहे आप बोल दो तो समझ लो हमने भी कोई गलत नहीं लगाया क्यों भैया? बहुत बढ़िया भैंस दिखाई संजय भैया ने जो वास्तव में आज की जितनी भी भैंस हमने देखी थी उसमें से टॉप क्वालिटी की भैंस है। संजय भैया कुछ जवाब तो दीजिए यार आप। भैंस बांध रहे हो बांधो आप। बुरा हो तो फ्री में दे दूं। हाँ तो संजय भैया आप तो बताओ क्या कीमत कर रहे हैं? कीमत तो बताओ हमें पता चले। 2,11,000। 2,11,000। अब यहाँ बीच में कौन सा संजय आएगा रेट करने के लिए? बताओ यार संजय भैया आप तो पैसे मांगते हैं नरेंद्र भाई हम ऐसे ही नहीं मांगते। भैंस की साफ सफाई देख लो एक फोल्ट निकाल दो। जाओ लगाया 1,31 करो डन। और संजय भैया के फार्म पर डन करने जा रहे हम। संजय भैया को तो और वही रखेंगे। तो देखिए दोस्तों खरीदते खरीदते आज करीब 8 बजने को है और रात हो चुकी है तो हम सरपंच साहब के यहाँ पहुँचे हैं जो एक शानदार भैंस खड़ी है इनके पास हाइट में बहुत बढ़िया। आप देखिए अगर थोड़ा सा क्वालिटी रात की टाइम सही नहीं आ रही है तो सरपंच साहब कहाँ है? सरपंच साहब राम राम। कितने दिन की दे रहे हैं इसमें? 7-8 दिन निकालेगी। 7-8 दिन 7-8 दिन और निकालेगी और दूध कितना देगी? पहला रूम में 8-8 किलो दिया था पहला ऑट में। अभी कितना हो जाएगा? अभी ये साल 10-11 की उम्मीद है। 10-11 की मांग क्या कर रहे हैं? मांग इसकी 2,11,000। 2,00,000 अभी 6 दांत में 11,000 लास्ट वाला दांत गिरा है। अच्छा 2,11,000 मांग रखी है। शांत स्वभाव भी बहुत शांत है। शांत है पूरी। जिसको भी अगर जम रही है तो हम चर्चा करेंगे और आपको आगे बताएंगे कि क्या सौदा हो रहा है। देखिए इसको बाहर निकाल के लाए हैं आगे पीछे सभी दूर से कवर करते हैं। अच्छी है भैंस भैया उधर चलाओ आप। बहुत बड़ी हाइट में टॉप क्वालिटी में धीरे आगे का ये राइट दोनों के दोनों बैठते वो साइड का। अरे भाई दोनों साइड निकाल लेना। कौन सा अभियान है? तीसरा अभियान है। नीचे पाड़ी है ये वाली 3 दिन की पाड़ी देख रहे हैं आप। और दूध कितना भैया? अभी तो दूध 5-5 लीटर है पर 7-7 लीटर एक टाइम का देगी। 14-15 लीटर दूध देगी। 14-15 लीटर निकाल लेना। मांग मेरी जिम्मेदारी। मांग इसकी 85,000 85,000
ये मोहन सिंह जी को जम रही है भैंस, तो भाव मोल करते हैं हम और ये भाऊ जी सिवनी वाले। अबे 50,000 नहीं मांगे दाम भाई, 50,000 की भैंस है तो 50,000 की दे दो भाई। भैंस भी छोटी है, छोटी पर 50,000 आवे हूँ भाई। 7-7 लीटर एक टाइम का, 7 लीटर दूध 75,000। फाइनल 65,000 रुपए में ये भैंस ले लिए, जो 7-7 लीटर ये बता रहे, लेकिन फिर भी हम हमारे एमपी में 5-5 लीटर दूध मान के चलेंगे 65,000 रुपए में। 65,000 में क्या फाइनल? 1-2,000 मत देखो। रात के 9 बज चुके हैं भैंस खरीदते खरीदते, और ये बहुत शानदार भैंस ब्याने में 8 दिन की दे रहे हैं, और 1.25 मांग कर रहे हैं इसकी। जो कितना लगाया भैया आपने? 80,000। देखते हैं संजू भैया, लगाओ अपने हिसाब से लगा दो। खोटो भाव कर 1,20,000 है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप। 9-10 लीटर दूध बोल रहे ना, वो देती या नहीं देती है वहाँ से? नहीं तो फिर रिटर्न होगी भैंस। तो आवा दे जो पासे। हाँ। पैसा ही पासा ले जाइयो, बीजे तो हूँ। पैसा तो लेंगे नहीं, फिर ही तो देंगे। पैसा पासा ले जाइयो, मुंह साथी छोड़ के ना मारे पेट से मन कर रहे ना। अच्छा लो, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। सीधा लेवा ट्रेन पात्री कहूँ तो इन्हों कोई मतलब नहीं। रायकी में आगरी कल वेचिया भाई ने पूछ ही लियो रायकी में कीमत की दी थी। अरे हो जाएगी, ये भी जाफरा से कम नहीं है दादा। तो दोस्तों मैंने 1,05,000 रुपए मेरा डिसीजन हुआ है ये, और 1,05,000 रुपए लगा दिए भैंस के। मन दुख नहीं बराबर, एक बार 1,10,000 रुपया लो, 100 रुपया वो से नगदी में बहु काय करो तुम जाओ। संजू भैया बेच दो, नहीं संजय हम काम है रुपया बेच दो। नहीं वैसे मारा बाप नगर मु दई दो मारा बाप काय है नो पर ना नहीं हो मन काय करे इमा नत थे हम का खोटू थोड़ो बोलू यार। हां मामा खावा ना होय रे सेलो भाव कीजो यार तुमने यो मना रे बाला काका नथी बाला लाइक आगे मागिन के तुमने कई दिन थे का मागिन हां ઇલિયન પૂછી લે કેટલા ની મેગી? કેટલા ની? 1,09,000 ની મેગી તો એને દીધી ને 15 કીધા હતી, કોઈ દો કીધા તો આમ ખાવ રેડી માર છે આમ તો ઉતારી દે તમે ગારો છે બે પાંચ જાય નહીં હું ગારો છે તમે આલે દઈ દીધી બોલ બેસ ની વાતો બેસ બી ગઈ હે મફત વેચાઈ ગયો અમે નથી મારા બાપ શેઠ તમારો ભાવ કીધો શેઠ હું ગલત નહીં બોલું તમારો ભાવ કીધો તમારે લેવાનો હું આપો થવા માર્યા કે 1,09,000 હે એક 1,09,000 રૂપિયે મેં ઠીક હે અરે વાહ ભાઈ વાહ ઠીક હે આ ભાઈ ઓછા 10 ની લે લો 1,09,000 और देखिए आप सभी खुश से हो रहे हैं। 1,02,000 को बयाना में सही में दे रहे हैं ठीक है, और बाकी इनका भैया ने 1,09,000 बाकी, 1,09,000 बाकी नहीं 1,09,000 हो रहा है पूरा, 1,08,000 बाकी कितना? हेलो ने कहा अब वो पार्टी का करो, चलो दूध देगी वो पार्टी। तो पूछे उसके भैया 9 बज रहे हैं रात की, और देखिए अगले फार्म पर फिर एंट्री कर रहे हैं हम। वो उसका इसमें पूरा हो गया। राजेश राजेश फोर्थ लैक्टेशन की भैंस लग रही है, देखिए आप चलाओ भैया। कौन से में जाएगी? जन गई ना? कौन कौन से में ब्याह हुई है? कौन से पेट से? तीजू दूध दूध 5-5 लीटर आवे। कब की ब्याह? 9 तीसिया
नौ दिन हो गए। दूध कितना लगा रही आज? 7-7 लीटर है। 7 लीटर देगी? देगी नहीं, अभी कितना हो रहा? 5 लीटर अभी। 5 लीटर तैयार है? तैयार है। मांग इसकी 1 लाख रुपया। 1 लाख मांग कर रहे हो? पेलोट है? पहले। कितना दिन दे रहे इसमें? 20 दिन। क्या मांग रहे हो बोलो? सीधा के है? सीधा दीजिए। लेने देने वाला? हाँ ना, एक बात कर दो। हाँ, 75,000। थोड़ी बताओ। पाड़ी, अरे पाड़ो। ये गाबन है? ये गाबन है। है? हाँ। और वो? वो 2 दिन की जमीन है। 2 दिन की? ये दुजोट है? कच्चा दूध है 4 लीटर। नहीं, पेलोट है, दुजोट है। कितना वेतन दिया? बीजा वेतन। दूसरा है? दूसरे है। खोलने की क्या कीमत है इसकी? कीमत 75,000। हाँ, व्यवहारिक 75,000। बोल रहे हैं आखिरी अपने फाइनल कितने की लेनी है? 60,000 लगा दो। आखिरी 5,000 रुपये। ओ भाई, चलो आप जो बोलो उसमें, ठीक है? हो गया, ठोक दो। चेक कर ले कितने मोहित संजय भैया? 63,000 रुपए में रात को करीब 9:30-10 बज रहे हैं। और ये अरविंद भैया ने खरीदी है। भैया एक बार फिर से आपका नाम? अरविंद। कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से हैं, जो हमारे साथ आए थे। और इस देखिए आप, क्वालिटी भैंस में बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और 63,000 रुपए में सौदा हुआ है, जो हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा पहुंचे थे यहाँ। और चेक हो गया? हाँ, ठीक है। लो बयाना निकालो, 1,000 रुपए। भैया बयाना 1,000 रुपए दादा को दे रहे हैं, है ना? क्या नाम है आपका? देवा भाई। जय राम जी की। जय राम जी। चलो रात करीब 9:30-10 बजे फिर अगले गांव में पहुंचे हम। बढ़िया भैंस है, मीडियम हाइट में, साफ सुथरी। दूसरी बेत में अच्छी सिंग क्वालिटी, पीछे से बढ़िया। गाबन है? तो है। कब तक ब्याएगी दादा? क्यों दादा, कितना टाइम लेगी? 10-12 दूध है? 6 लीटर। ठीक। पिछले बार क्या मांग रहे भाऊ जी? एक बीस। 1,20,000 तो अरे मार दो संजू भी, आप लगाओ। अरे आप ही लगाओ, यो नहीं मानेंगे तो सेठ दे ही देता हो गई। संजू भैया 1,12,000 में, ठीक है, फाइनल हो गई। तो देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया भैंस की डील हुई है रात को 10:15 के करीब, और 1,12,000 में फाइनल हुई है, जो भैया ने खरीदी है। कहाँ गए भैया? आओ एक बार फिर। नाम आपका? राजेश भैया हाथोद से हैं, जो पालिया के पास गांव है। इनका कौन सा गांव है भैया? सतलाना। कितने में हुई है? 1,12,000 में। चलो भैया, बयाना दिया कितना दिया? 1,000 रुपए बयाना। खरीदने के बाद देखिए आप, थन चेक हो रहे हैं। भैया नाम बताना। संजू भैया चारों थन हो गए चेक? ठीक भैया। दोस्तों रात की 11 बज रही है और फिर संजय भैया के फार्म पर पहुंचे हैं, जो सुबह 8 बजे से निकले थे हम। 7 बजे से
शानदार 16 भैंस की खरीदी के बाद रात को 11 बजे पहुंचे हम और देखिए अब संजय भैया के फार्म पर रात का खाना हो रहा है 11 बजे और 16 भैंस की खरीदी हुई आज दिन भर में, कल और एक दो भैंस खरीदना है।